हेलो गाइस, आई एम अंकित एंड आई वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ आवर वेब डेवलपमेंट सीरीज। सो कल के वीडियो में हमने एंकर टेक के बारे में देखा था, उसके टारगेट क्या होते हैं, टारगेट को कैसे यूज़ किया जाता है, हमने ये सीखा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हमारा कोई भी HTML का अगर डॉक्यूमेंट है तो उसमें जो टेक्स्ट होता है हम लोग उसको फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हम लोग मेनली 10 टाइप्स के फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। 10 टाइप्स के टैग होते हैं जिससे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा भी और भी कुछ टैग होते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, बट लेकिन मेनली ये 10 टैग्स यूज़ किए जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि मतलब एक एक करके स्टार्टिंग से जो भी टैग्स का यूज़ किया हुआ है मैं उसका एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, उससे एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और आई होप आप लोगों को समझ आ जाएगा, क्योंकि उतना कुछ एडवांस टॉपिक नहीं है, ये नॉर्मल सा छोटा सा ही टॉपिक आप कह सकते हो ये है। बट लेकिन ये आप इसको अपने डॉक्यूमेंट में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हो, ये हर एक चीज़ को, जिससे आपका जो भी आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर HTML के फॉर्मेट में लिख रहे हो तो आपको हेल्प करेगा समझने के लिए, या फिर सामने वाले जो यूज़र हैं उनको समझाने के लिए कि आप उस टेक्स्ट या फिर उस डॉक्यूमेंट के मदद से आप समझाना क्या चाहते हो। तो चलिए हम अपने कोड एडिटर पर चलते हैं और उसका एग्जाम्पल्स को आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो गाइस ये हमारा HTML का फाइल, इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि मैं पहले से ही कोड कर दिया हूँ, क्योंकि इसमें टाइम लगता है, एक तो एक्सप्लेन करने में भी टाइम लगता है क्या है, और मतलब कुछ ज़्यादा कुछ इसमें था नहीं कि आपको समझने में प्रॉब्लम होगा। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने पहले से ही एक फ़ाइल क्रिएट करके रखा हुआ है जिसमें कि मैंने हर एक टैग जो भी 10 टाइप के टैग हैं, मेरे को जो एक्सप्लेन करने हैं वो मैंने अलग अलग करके सबको लिखा हुआ है यहाँ पे। तो इससे आपको क्या होगा, समझने में कोई परेशानी नहीं होगी और आप इजीली समझ लोगे कि ये इस टैग से क्या होता है। तो चलिए फर्स्ट टैग के ऊपर जाते हैं। तो ये है आपका बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग। तो जो बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग होता है, मतलब कोई भी अगर मान लो आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको हम लोग कैसे बोल्ड कर सकते हैं। ये दोनों मैंने एक साथ इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि इस दोनों का जो विजुअल है, मतलब आप जो आपको ये शो होगा टेक्स्ट अप स्क्रीन पे, वो दोनों एज इट इज़ सेम शो होता है, बट जो इसका इंटरनल फैक्टर है वो डिफरेंट होता है, इसलिए मैंने इन दोनों को बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग को एक साथ लिखा हुआ है कि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। तो मैंने इसमें क्या किया हुआ है, एक तो नॉर्मल सा सबसे पहले H2 टैग के अंदर लिखा हुआ है मैंने दिस इज़ बोल्ड टैग। आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट दे सकते हो, बट मैंने समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ एग्जांपल ऑफ बोल्ड टैग। और इस टेक्स्ट के पहले मैंने क्या किया, बोल्ड टैग हमको यूज़ करना है, इसलिए हम मैंने क्या किया यहाँ पे एंकर ब्रैकेट दे के इसके अंदर बी लिख दिया। तो इसका मतलब होता है कि आपका जो टेक्स्ट है, आप जो भी इस बी वाले के अंदर लिखोगे ये आपका पूरा बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से स्ट्रांग वाले केस में मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने एग्जांपल उसका जो टेक्स्ट है मैंने उसको लिख दिया जैसे एग्जांपल ऑफ स्ट्रांग टैग, एंड उसके पहले मैंने क्या किया हुआ है एक टैग के अंदर स्ट्रांग लिख दिया। तो ये स्ट्रांग टैग का सिंटेक्स होता है कि आपको स्ट्रांग टैग डिक्लेयर करना है तो आप उसको स्ट्रांग लिख के बस डिक्लेयर कर सकते हो। तो ये हो गया। तो चलिए सबसे पहले हम फर्स्ट वाले एग्जांपल को ही देखते हैं कि इसका क्या आउटपुट आता है। तो जिस फाइल से आपने जहाँ पर भी सेव किया होगा आपको बस उस फाइल को ओपन करना है। तो मेरे केस में तो डेस्कटॉप पे ही होता है ये फाइल, तो मैंने इसको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के नाम से सेव किया हुआ है, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखो, आप उसको नीचे वालों को अभी छोड़ दो क्योंकि वो आगे का एग्जाम्पल का है। तो ये देखो, ये आपका बोल्ड टैग का एग्जाम्पल है और ये आपका स्ट्रॉन्ग टैग का एग्जांपल है। बट आप ये नोटिस करोगे कि ये दोनों जो टैग हैं ये एज इट इज़ सेम है। तो मैंने पहले भी आपको बताया कि इन दोनों का जो विजुअल होता है, जो स्क्रीन पे जो शो होता है वो एज इट इज़ सेम होता है,
बट इन दोनों का जो भी फंक्शनैलिटी कह सकते हो आप, वो अलग है। जो बोल्ड टैग है वो बस हमारा नॉर्मली फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब कोई भी टेक्स्ट है तो हम उसको कैसे फॉर्मेट कर रहे हैं उसके लिए यूज़ किया जाता है। और जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ये किसी भी मतलब सेंटेंस में, अगर मान लो कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है और उसमें कुछ एक वर्ड इम्पॉर्टेंट है, जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है दिस इज़ द एग्ज़ाम्पल ऑफ द स्ट्रॉन्ग टैग, तो इसमें मेरा मान लो इम्पॉर्टेंट क्या है कि एक एग्ज़ाम्पल है, तो एग्ज़ाम्पल जो हो गया वो आपका इसमें हम स्ट्रॉन्ग, इसको अगर इसके पहले हम एग्ज़ाम्पल के पहले स्ट्रॉन्ग लगा देते तो ये क्या हो जाता है मेरा, मतलब ब्राउज़र को समझ आए कि वो आपका इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है। तो स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्ग टैग का यूज़ ये होता है कि आपके ब्राउज़र को वो बताता है कि आपकी सेंटेंस में कौन सा टैग इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इस एग्ज़ाम्पल के पीछे बस बी लिखते थे या फिर बी टैग मतलब बोल्ड टैग लिखते थे तो उससे कुछ होता नहीं, कुछ पता नहीं चलता, कुछ स्पेशल उसमें नहीं होता, क्योंकि वो बस टेक्स्ट को फॉर्मेट कर रहा है, वो बस डिज़ाइनिंग में काम आ रहा है। बट अगर मैं इसको इसके पीछे लिख दूँगा स्ट्रॉन्ग, तो उससे ब्राउज़र को पता चलेगा कि इसका जो ये टेक्स्ट का मतलब कुछ इम्पॉर्टेंस है इस पूरे सेंटेंस में, तो वो ब्राउज़र को ईजिली समझ आ जाएगा। तो ये होता है बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में मेनली डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम आते हैं अपने नेक्स्ट टैग के ऊपर, तो ये है हमारा इटैलिक एंड एम्फेसाइज टैग। तो ये भी जैसे बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग जो है वो दोनों एज इट इज़ सेम सो होते हैं, तो उसी तरह से आपका जो इटैलिक टैग है और एम्फेसाइज टैग है वो दोनों एज इट इज़ सेम सो होता है ब्राउज़र पे। बट इन दोनों का भी अलग अलग काम होता है। जो इटैलिक टैग है मेरा वो बस आपको फॉर्मेटिंग में काम आता है, टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में, आपके एक्सप्रेशन को बताने में कह सकते हो एक तरह से कि, और टेक्स्ट को फॉर्मेट करने में ये यूज़ आता है। और जो मेरा एम्फेसाइज टैग है वो हम लोग कोई भी सेंटेंस या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट, जैसे इसमें था हमारा इम्पॉर्टेंट, कोई भी सेंटेंस में अगर कोई टेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है उसको हम लोग बताने के लिए यूज़ करते हैं यहाँ पर भी एम्फेसाइज टैग। तो इसको एम्फेसाइज को हम लोग को डिक्लेयर करने के लिए हम लोग ईएम को यूज़ करते हैं, ईएम टैग का यूज़ करते हैं, और इटैलिक को डिफाइन करने के लिए हम लोग आई टैग का यूज़ करते हैं। तो ये इसका मेनली डिफरेंस होता है। तो चलिए मैं इसका भी आउटपुट आपको दिखा देता हूँ कि इसका आउटपुट क्या आता है। तो ये है आपका एग्जाम्पल, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ इटैलिक टैग एंड एम्फेसाइज टैग। ये दोनों आप देख रहे हो कि ये दोनों का जो भी विजुअल्स है, जो भी वेब ब्राउज़र पे शो हो रहा है वो एज इट इज़ सेम शो हो रहा है। बट इसमें वही सेम, फिर से मैं बोलूँगा वही कि इसमें क्या डिफरेंस है कि आपके ब्राउज़र को पता चल रहा है कि ये इसमें ये वाले जो एम्फेसाइज वाले में है कि इसमें कुछ आपका इम्पॉर्टेंट है, बट ये बस एक नॉर्मल सा टेक्स्ट है। तो ये हो गया हमारा एम्फेसाइज्ड और इटैलिक टैग। नेक्स्ट पर हम आते हैं, नेक्स्ट टैग क्या होता है, सिंपल एंड स्मॉल टैग। तो ये कोई मतलब ज़्यादा कुछ ये मतलब बड़ा टैग नहीं कह सकते आप इसको, ये एक छोटा सा टैग है। सिंपल मतलब अगर आपके पास कोई भी टैग नहीं है, बिना अगर आप नॉर्मल S2 में लिख रहे हो कोई भी, तो वो एक सिंपल सा टैग है, ठीक है। और जो स्मॉल टैग होता है कि वो क्या करता है कि कोई भी टेक्स्ट को वो स्मॉल कर देता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दिखाता हूँ आपको, जैसे ये दोनों का मैंने एग्ज़ाम्पल लिया हुआ, तो मैं इसका एग्ज़ाम्पल आपको एक बार शो करता हूँ। ये देखो, ये मैंने S2 में लिखा हुआ था, इसका साइज़ देखो ये आ रहा है, और उसमें मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे मैंने स्मॉल टैग का यूज़ किया है। तो स्मॉल टैग का यूज़ करने से क्या हुआ कि जो इसका H2 का जो साइज़ था वो डिक्रीज़ हो गया, यहाँ पे उससे छोटा शो हो रहा है। है तो दोनों S2 में ही, अगर S2 में लिख रहे हैं हम तो दोनों का साइज़ मेरा सेम आना चाहिए था, बट यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने स्मॉल टैग का वहाँ यूज़ किया हुआ है, तो उससे क्या हुआ कि जो H2 का जो ओरिजिनल साइज़ था उससे वो छोटा हो गया। तो ये होता है स्मॉल टैग और सिंपल टैग का डिफरेंस। नेक्स्ट है हमारा मार्क टैग। मार्क टैग क्या होता है कि मान लो आपके पास कोई सेंटेंस है एंड आपको उस सेंटेंस में कुछ हाईलाइट करना है या फिर कुछ मार्क करना है, तो आप उसका यूज़ करते हो वहाँ पे मार्क टैग का। सपोज़ मैंने लिया हुआ एग्जाम्पल S2 में ही मैंने लिया हुआ है, दिस इज़ एग्ज़ाम्पल ऑफ मार्क टैग, और मैंने क्या किया, जो मेरा मार्क टैग है मैंने उसको मार्क कर दिया है, मैंने उसके पहले मार्क टैग का यूज़ कर लिया, ठीक है। तो
इससे क्या होगा कि ये तो मेरा नॉर्मल S2 में ही शो होगा, साइज तो वही रहेगा, बट जो मेरा ये मार्क टैग लिखा हुआ है ये आपका कुछ जैसे हम लोग बुक पे हाईलाइट करते हैं तो उस तरह से आपको ये हाईलाइटेड में शो करेगा। तो इसका एग्जांपल मैं देखता हूँ, देखो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, ये मैंने नॉर्मल S2 में लिखा था बट उसके बाद मैंने मार्क टैग को मार्क के अंदर लिखा हुआ था, तो इसलिए ये जो है मेरा मार्क टैग ये हाईलाइट होकर येलो कलर से शो हो रहा है। तो ये होता है आपका मार्क टैग का यूज़। नेक्स्ट है हमारा डिलीट टैग। डिलीट टैग क्या करता है कि अगर मान लो कुछ आपका डॉक्यूमेंट है उसमें आपका कोई एक सेंटेंस है जिसको आपको क्या कहते हैं उसको कट करके कुछ और वहाँ पे टेक्स्ट मतलब उसको कट करना है, नॉर्मल सा टेक्स्ट है उसको कट कर देना है बीच से। जैसे कोई बुक में मान लो बुक में लिखा हुआ है वहाँ पे कभी देखोगे आप कि वहाँ बीच में एक लाइन दिया हुआ रहता है, मतलब कटिंग का लाइन रहता है, वो कैसे परफॉर्म होता है, वो आपका डिलीट टैग से परफॉर्म होता है। और डिलीट टैग को हम लोग डेल मतलब डेल कीवर्ड के साथ हम लोग यूज़ कर सकते हैं डेल। तो इसका मैंने इसमें क्या किया हुआ है, दिस एग्जांपल ऑफ मैंने मार्क टैग लिखा हुआ था, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मार्क टैग का तो एग्जांपल है नहीं है, ये तो डिलीट टैग का एग्जांपल है, तो मैंने क्या किया मार्क टैग को डिलीट के अंदर डाल दिया। इससे क्या होगा कि जो मेरा मार्क टैग लिखा हुआ है उस पर एक अंडरलाइन आ जाएगा, मीन्स वो बीच से कट हो जाएगा और वो आगे जो डिलीट टैग है मेरा वो वहाँ आगे शो करेगा डिलीट टैग। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं हम एक बार, देखो दिस इज एग्जांपल ऑफ मार्क टैग। तो मार्क टैग मेरा क्या हुआ, ये मेरा डिलीट हो गया यहाँ से, मतलब कट हो गया है, ये कट होने के बाद फिर जो आगे का लाइन था वो मेरा एज इट इज़ प्रिंट हो गया। तो ये होता है आपका डिलीट टैग का यूज़। नेक्स्ट आते हैं हम इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग और डिलीट टैग आप कह सकते हो मतलब एक दूसरे का अपोजिट नहीं, मतलब अगर मान लो आप कुछ डिलीट करो तो वहाँ आपको एक इंसर्ट करना बनता है, तो इसलिए हम लोग इंसर्ट टैग का यूज़ करते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेम एग्जांपल लिया हुआ है, तो इसमें मैंने क्या किया था डिलीट टैग वाले में कि मैंने यहाँ कुछ इंसर्ट नहीं किया था, बस उसके बाद जो डिलीट किया मैंने उसके बाद बस मैंने कोई भी एक टेक्स्ट ऐड कर दिया। बट मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ कि डिलीट तो कर दिया पहले, उसके बाद मैंने क्या किया इंसर्ट टैग यहाँ पे जो ये है टेक्स्ट है मैं उसको यहाँ पे इंसर्ट कर रहा हूँ, और इंसर्ट टैग को परफॉर्म करने के लिए हम लोग INS का यूज़ करते हैं, INS मीन्स इंसर्ट, ठीक। तो INS के अंदर हम लोग क्या किए इंसर्ट टैग को प्रिंट कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि इंसर्ट टैग मतलब इंसर्ट टैग तो लिखा हुआ आ जाएगा बट इसको पहचानने के लिए इसमें क्या होता है कि आपको ये अंडरलाइन होकर शो होगा ब्राउज़र पे। तो इसका आउटपुट एक बार हम लोग चेक करते हैं, देखिए दिस एग्जाम्पल ऑफ मार्क टैग। मार्क टैग को मैंने डिलीट कर दिया था, तो इसलिए डिलीट करने के लिए मतलब डिलीट करने से वो क्या हुआ कि अंडरलाइन मार्क उसके ऊपर शो कर दिया, और इंसर्ट किया मैंने फिर उसके बाद INS की मदद से, तो इंसर्ट हुआ। इंसर्ट होने के बाद देखो ये आपका अंडरलाइन शो कर रहा है, और इसमें मैंने इंसर्ट टैग यूज़ नहीं किया था, इसमें बस मैंने नॉर्मल टेक्स्ट प्रिंट कर दिया था, तो इसलिए मेरा ये नॉर्मली आ रहा था, बट मैंने इसमें यहाँ पर इंसर्ट टैग का यूज़ किया हुआ है इसलिए वो मेरा यहाँ पर अंडरलाइन होकर शो कर रहा है, ठीक है। मतलब नेक्स्ट है हमारा सबस्क्रिप्टेड। सबस्क्रिप्टेड का मतलब आप लोग समझ लो, जैसे मान लो कोई भी टेक्स्ट है और मेरे को उस टेक्स्ट के थोड़ा सा नीचे में कुछ लिखना है। सपोज़ जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते थे O2 या फिर CO2 जो गैस वगैरह का जो हम लोग फार्मूला पढ़ते थे, उस तरह से अगर आपको कोई भी टेक्स्ट लिखना होगा तो हम उसको सबस्क्रिप्ट टैग के मदद से लिख सकते हैं। तो सबस्क्रिप्ट टैग को यूज़ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि SUB सब टैग का यूज़ किया जाता है उसमें। तो मैंने क्या किया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ये तो नॉर्मल S2 में लिखा हुआ था, ये तो नॉर्मल इतना दूर प्रिंट होगा, उसके बाद स्क्रिप्टेड जो सॉरी सबस्क्रिप्टेड मैंने क्या किया हुआ है सब के मतलब सब टैग के अंदर डाला हुआ है, तो उससे क्या होगा कि ये मेरा जो सबस्क्रिप्टेड है वो थोड़ा सा नीचे शो करेगा इस लाइन से, मतलब जिस एग्जांपल ऑफ से नीचे थोड़ा सा आएगा। तो ये होता है सबस्क्रिप्टेड का। तो इसका मैं आउटपुट देख लेता हूँ एक बार, देखो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ, ये तो मेरा S2 था नॉर्मल, तो ये मेरा लाइन से आया, देन उसके बाद सबस्क्रिप्टेड मैंने जैसे यूज़ किया तो वो थोड़ा सा नीचे हो गया, उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया, ठीक है। फिर बाकी जो लास्ट में टैग था मैंने यूज़ किया हुआ था टेक्स्ट में ही था, वो नॉर्मल देखो यहाँ पे आप S2 के अंदर था, तो ये नॉर्मल जैसे एज इट इज़ जो था वो प्रिंट हो गया। ये हो गया सबस्क्रिप्ट।
और सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट। सुपर स्क्रिप्ट से आप क्या करते हो कि आपका जो भी मान लो कोई टेक्स्ट है उसको आपको पावर देना हो, जैसे हम लोग एक्स स्क्वायर एक्चू ये सब अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो उसको हम लोग सब स्क्रिप्ट की मदद से कर सकते हैं। इसमें आप नंबर टेक्स्ट आपको जो देना आप दे सकते हो, इसमें कोई ये नहीं है। तो लेकिन हम लोग सुपर स्क्रिप्ट को यूज़ करने के लिए हम लोग को क्या लेना होता है, सुप टैग, मतलब SUP सुप और टैग। तो ये होता है मेरा सुपर स्क्रिप्ट का यूज़। तो इसका एग्जांपल एक बार आप चेक कर लो, तो ये देखो दिस एग्जांपल ऑफ सुपर स्क्रिप्ट। इसमें क्या हो रहा था सब स्क्रिप्ट में कि ये आपका नीचे आ रहा था, और सुपर स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है कि ये आपका जो टेक्स्ट है थोड़ा सा ऊपर शो हो रहा है और थोड़ा छोटा हो रहा है। सो तो ये हो गए हमारे बेसिक 10 टाइप्स ऑफ टैग जो कि HTML फॉर्मेटिंग के लिए बेसिकली यूज़ किया जाता है। और भी टैग होते हैं, जैसे एक टैग होता है हमारा अंडरलाइन टैग। अगर मान लो कोई भी आपका टेक्स्ट है एंड उसको आपको अंडरलाइन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसी को एग्जांपल ले लेता हूँ और फिर यहाँ से क्या करता हूँ, ये मेरा अंडरलाइन का है अंडरलाइन टैग, मैं उसको कमेंट कर दे रहा हूँ अंडरलाइन से। और दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अंडरलाइन को हम लोग को यूज़ करने के लिए क्या करना होता है, यू लिखना होता है, मतलब यू टैग का यूज़ करना होता है। तो ये आपका इजी है। जैसे बोल्ड के लिए हम लोग बी यूज़ कर रहे हैं, इटैलिक के लिए आई यूज़ कर रहे हैं, अंडरलाइन के लिए हम लोग यू यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ अंडरलाइन। यहाँ पे कोई मतलब ये नहीं है कि आप इसको चेंज करो, तो नॉर्मल टेक्स्ट कोई कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे। ये क्या हो गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ अंडरलाइन टैग। ये क्या करेगा कि आपका जो ये अंडरलाइन लिखा हुआ है ये इसको एक अंडरलाइन मतलब शो करेगा। तो इसको मैं सेव करता हूँ, इसको रन करके देखता हूँ क्या आ रहा है। तो ये देखो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ अंडरलाइन टैग। तो ये जो अंडरलाइन था आपका टेक्स्ट उसके नीचे एक अंडरलाइन आ गया। तो ये होता है आपका अंडरलाइन टैग का यूज़, कि हम लोग उसको कोई भी टेक्स्ट को अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं। एंड एक और होता है आप कर सकते हो उसको, मान लो कोई भी जैसे ये आपका वेब पेज नहीं है, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, एक हॉरिजेंटल लाइन अगर ड्रॉ करना है यहाँ पे, क्योंकि उसके बाद आपको कोई भी टेक्स्ट या फिर कोई भी आपका जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है आप उसको ऐड करना चाहते हो, बट उससे पहले आप क्या करना चाह रहे हो कि यहाँ पे आप एक अंडरलाइन आप यहाँ पे एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करना चाहते हो, तो उसको भी HTML की हेल्प से आप परफॉर्म कर सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, ये मेरा हॉरिजेंटल लाइन के लिए है, हॉरिजेंटल लाइन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, HR टैग। तो इसमें आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ नहीं देना होता है, बस इसमें आपको क्या करना है कि हमको HR टैग का यूज़ कर लेना है। ये क्या करेगा आपका, एक नीचे हॉरिजेंटल लाइन क्रिएट कर देगा। ये देखो ये आपका एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब आप अगर मान लो इस लाइन के बाद अगर आप कुछ भी ऐड करो, जैसे मैं सपोज़ यही वाला लाइन इसके नीचे ऐड कर देता हूँ अगर, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये क्या करेगा उसके नीचे शो कर देगा। देखो ये आपका हॉरिजेंटल लाइन हो गया ऊपर वाला, और उसके नीचे मेरा ये शो कर रहा है। अब आप जो ये हॉरिजेंटल लाइन देख रहे हो, ये मतलब इसका विड्थ, इसका लेंथ, आप ये सब कंट्रोल कर सकते हो बाय द हेल्प ऑफ CSS, जो कि हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में कि कैसे आप उसको चेंज करो, या फिर जैसे ये मार्क टैग है, मार्क टैग का जो बैकग्राउंड येलो आ रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, आप इसको भी चेंज कर सकते हो कि इसका जो कलर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम लोग CSS में देखेंगे कि CSS से कैसे कलर को कैसे चेंज करते हैं, या फिर उसका हम लोग कहाँ अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़। तो वो सब हमारा CSS के पार्ट में आएगा। और जो ये कोड का जो फाइल है, HTML का जो फाइल है, मैं ये क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगा। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके आप इसमें देख सकते हो इजीली। सो आई होप आप लोगों को आज का वीडियो समझ आया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।